सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19 नंबर जो 19 क्वेश्चन है, एक्स और वाई दोनों के दोनों पार्टनर हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। कैपिटल लगा रखी है 80,000 और 60,000, इंटरेस्ट देना है इनको 5%, ठीक है ना। वाई कहता है मेरे को तो सैलरी भी चाहिए, कितनी चाहिए, एनुअली साल की 6,000 चाहिए। विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, निकाल लूंगा नहीं, ना निकाल भाई हमें क्या दिक्कत है, हम तो देने से मतलब है, हम तो तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तेरी मर्जी है जब मर्जी निकाल। कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2016, कहता है प्रायर टू कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कैलकुलेट किया, भाई अच्छी बात है नहीं किया, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन के आइटम और अप्रोप्रिएशन के आइटम हम डील करते हैं। बट कहता है आफ्टर चार्जिंग वाई की सैलरी, कहता है वाई कौन है, पार्टनर है, और वाई की सैलरी आपने काट ली, आपकी क्या हिम्मत है आपने सैलरी काट ली, हम क्या करेंगे, सैलरी को पहले ऐड करेंगे और दोबारा से आपको देंगे। तो मतलब अगर हम बात करें, अगर अप्रोविजन की कोई आइटम काट ली जाती है तो हमें पहले उसको ऐड करना पड़ता है। और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमारे को 24,000। कहता है प्रोविजन कितना बनाना है, 5% बनाना है, किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर, मैनेजर को कमीशन देना है, मैनेजर क्या पार्टनर है, नहीं है, तो ये अप्रोप्रिएशन की आइटम नहीं, ये आइटम किसकी है, चार्ज के आइटम है, और चार्ज कहाँ किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम थी जो कंसीडर नहीं की गई, और हमने कंसीडर करनी है तो काटना पड़ेगा पहले इसका अमाउंट। तो प्रिपेयर करो कि हमने प्रॉफिट को फंड को कैसे एलोकेट करना है। तो सबसे पहले तो ये बताओ 24,000 है ये हमारे को सैलरी काटने के बाद मिला है, सैलरी कितनी है 60,000, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 30,000। कहता है इसमें से जो मैनेजर का जो कमीशन है वो आपने नहीं डिडक्ट किया, तो मैनेजर कमीशन काट तो कितना है 5%, तो 5 15 सौ, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 1500 कमीशन हो जाएगा। तो 30,000 में से अगर 1500 माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा आपका प्रॉफिट 28,500, तो ये आपका नेट प्रॉफिट बनता है, इसी अकॉर्डिंग आपने डील करना है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, बाय नेट प्रॉफिट, आप यहाँ पर ना ही 24,000 लिखोगे, ना ही 30,000, बल्कि 28,500 लिखोगे। अगर आपने लिखना ही है तो इसके अंदर लिखो नेट प्रॉफिट इनर कॉलम के अंदर कितना था 24,000 प्लस क्या करो सैलरी, किसकी सैलरी, जो वाई की काट ली थी, काट ली थी आपने, कितना था ये 6,000 ऐड करो, और माइनस क्या था मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन कितना है, ये कितना था 30,000 आ चुका था, इसमें मैनेजर कमीशन क्या था 5% था, 5% कितना था ये 1500 था, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा ये 28,500, ऐसे भी आप ट्रीट कर सकते हो इसको। उसके बाद क्या देनी है आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। तो सबसे पहले कौन कौन आपके पार्टनर है, एक एक्स है और एक वाई है, एक एक्स है और एक कौन है वाई है, तो क्या लिखो बाय बैलेंस बीडी, कितना लगाया उन्होंने पैसा, एक ने लगाए हैं 80,000 और दूसरे ने लगाए हैं 60,000। अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 5% देना है, तो 5% कितना दोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको दोगे, एक्स को और वाई को, तो फर्स्ट का कितना हो जाएगा 4,000। अगर हम बी की बात करें, वाई को कितना मिलेगा 3,000, तो टोटल कितना हो जाता है ये 7,000, ठीक है ना, और दे देंगे इनको बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है 4,000 और ये कितना है 3,000। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चुका है 5%, वाई कहता है मेरे को सैलरी मिलनी है पूरे साल की 6,000, दे देंगे भाई टू वाइज कैपिटल, क्योंकि कैपिटल क्या हमारी फिक्स है नहीं है, तो फ्लक्चुएटिंग है, तो हम एक अकाउंट डील करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कितनी देनी है उनको सैलरी, ये देनी है 6,000, तो लिख दो बाय सैलरी, कितनी देनी है 6,000, किसको देनी है ये वाई को देनी है, तो एक्स को नहीं देंगे तो वाई को दे देंगे 6,000। नेक्स्ट क्या कहता है प्रॉफिट, और तो कुछ आइटम नहीं है, तो प्रॉफिट देखो आपका कितना था, तो प्रॉफिट था 28,500, इसमें से आप कितना माइनस कर चुके हो 7 और 6 13,000 इसमें से माइनस कर चुके हो, तो मेरे पास कितना बचेगा अमाउंट,
मेरे पास अमाउंट बचेगा 15,500, तो यहाँ कितना आ जाएगा 28,500, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 28,500, और यहाँ क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, किसके अकाउंट में, एक्स के और वाई के, 15,500 कितना था ये 15,500, किस रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये करना है 3:2, तो 3:2 कितना हो जाता है 3 और 2 5, तो हर हिस्से में कितना हो जाएगा, अगर 15,500 की बात करें और 5 हिस्से बनाएं तो एक हिस्से में कितना आ जाएगा, एक हिस्से में आ जाएगा 3,100 रुपये, 3,100, 3,100। तो अब इसको कितने देने हैं, दो हिस्से देने हैं वाई को, तो कितने दे दोगे आप 6,200। अगर हम बात करें ए को कितने देने हैं, एक्स को कितने देने हैं, 3 हिस्से, तो ये कितना हो जाएगा 9,300। तो दोनों आपके अकाउंट में चले गए, आप ट्रांसफर कर दो, इनको पोस्टिंग कर दो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से अमाउंट आया है कितना है 9,300 और 6,200। अब क्या करो, यहाँ लिखो टू बैलेंस सीडी, कितना अमाउंट आएगा जो कैलकुलेशन के कर लो, कितना आएगा 60,000 एक वाई का और 3,000 एक आए आपके, 60,000 तो आपकी कैपिटल थी, 3,000 आपको इंटरेस्ट के मिल गए और 6,000 आपको किसकी मिल गई, सैलरी मिल गई, और 6,200 आपको प्रॉफिट मिल गया, तो आपका कितना हो जाएगा टोटल 75,200, और यहाँ भी कितना लिखेंगे 75,200, और यहाँ भी कितना लिखेंगे 75,200। अगर हम बात करें एक एक्स की, तो 80,000 की कैपिटल थी और 4,000 का आपको इंटरेस्ट मिला, सैलरी आपको मिली नहीं, और 9,300 का आपको प्रॉफिट मिला, तो कितना हो गया आपका 93,300, 93,300, तो ये कितना आ जाएगा 93,300 बैलेंस सीडी आ जाएगा, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे और कैपिटल के अंदर ऐड कर दोगे। ठीक है, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।